हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी के लिए गुड न्यूज है टीचर भर्ती को लेकर। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट में आज बैठक हुई थी, मीटिंग हुई थी। मीटिंग में ये निर्णय लिया गया कि छत्तीसगढ़ में टीचर की कितनी वैकेंसी आएगी। तो बात करते हैं दोस्तों, व्याख्याता के कितने पोस्ट आएंगे, शिक्षक के कितने पोस्ट आएंगे और सहायक शिक्षक के कितने पोस्ट रहेंगे। वीडियो को आप अंत तक वॉच कीजिए, पूरा डिटेल से आपको जानकारी प्रदान करने वाला हूं। जी हां दोस्तों, यहां पर मैं रिपोर्ट के अनुसार आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में टोटल 12,489, जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, 12,489 पदों पर दोस्तों शिक्षक की भर्ती आएगी। जिसमें से बात करें सहायक शिक्षक के, तो सहायक शिक्षक के यहाँ पे दोस्तों 6,285 पोस्ट रहेंगे। शिक्षक के यहाँ पर 5,772 पोस्ट खाली होंगे। और वहीं पर बात करते हैं व्याख्याता के, आप सबके मन में डाउट था ना कि सर व्याख्याता का पोस्ट आएगा कि नहीं, तो दोस्तों वो जरूर व्याख्याता का पोस्ट यहाँ पर आया है। और व्याख्याता का पोस्ट यहाँ पर टोटल 432 है। जी हाँ दोस्तों, उतने ज्यादा तो नहीं है, लेकिन 432 व्याख्याता की भर्ती यहाँ पर निकाली जाएगी। ये न्यूज दोस्तों एकदम पक्का है, NPG के ऑफिशियल वेबसाइट में आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों, मैं टेलीग्राम में उस न्यूज कटिंग को भेज दिया हूं, आप जाके देख लीजिए, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री CM भूपेश बघेल के अध्यक्षता में दोस्तों ये पूरा फैसला लिया गया है, जिसमें CM भूपेश ने साफ तौर पर कहा है कि बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग में ये वैकेंसी निकाली जाएगी, क्योंकि वहां पर दोस्तों इतने पोस्ट वहां पर खाली हैं। एक बार और सुन लीजिए दोस्तों, 12,489 पदों पर शिक्षक की भर्ती है, 6,285 सहायक शिक्षक के होंगे, 5,772 शिक्षक के और 432 व्याख्याता के होंगे। सरगुजा और बस्तर संभाग के लिए ये वैकेंसी रहेगी। लेकिन दोस्तों, इसमें पूरे छत्तीसगढ़ के कोई भी संभाग से आप रहते हो, कोई भी जिले में रहते हो पूरे छत्तीसगढ़ में, तो आप दोस्तों वहां पर अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आगे दोस्तों मैं पूरा डिटेल से आपको पूरा वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना दोस्तों बिल्कुल मत भूलिए, और जाकर न्यूज़पेपर को पढ़ लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हूँ।